नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ फिनेंस निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा और इंट्राडे के साथ साथ वीकली बेसिस पे हमारा क्या व्यू होगा, ये एनालिसिस में भी समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं चार्ट में कुछ पॉइंट आपको शेयर करूँ, आपको मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर डिटेल शेयर करता हूँ, आप समझिए। देखिए, नंबर वन फ्रेंड्स, कि मंडे को मार्केट ऑफ है, डायरेक्ट ट्यूजडे को ओपन होगा और ट्यूजडे को फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो हमें ट्यूजडे के दिन फिनेंस निफ्टी में ट्रेड करने का चांस मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलेगा तब, अगर खुल के नीचे भी आ जाए तब भी हमें बहुत अच्छा चांस मिलेगा, या फिर एक गैप डाउन ओपन हो जाए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, तो लोअर बॉटम से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैंने फ्राइडे के दिन वीकली बेसिस पे ही एक्सपायरी के लिए पोजिशन बनाया था, हालांकि टेलीग्राम चैनल में मैंने नहीं दे पाया था, और मेरा व्यू था कि थोड़ा हायर साइड में ही क्लोजिंग करेगा जो प्रीवियस डे का हाई था। मैं चार्ट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मैं देख रहा था कि रेड लाइन डाला हूँ मैं, यहाँ पर आसपास क्लोजिंग करेगा तो मैं इसका पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन लास्ट 30 मिनट में ना निफ्टी बैंक निफ्टी और फिनेंस निफ्टी सभी में बहुत फास्ट मूवमेंट आया, और ये तो लगभग मेरा जो टारगेट था, मैंने थर्सडे के एनालिसिस में आपको बताया था कि 19,200-19,250 तक एक्सपायरी के दिन मुझे दिखता है, तो ऑलरेडी 200 का टारगेट डन कर लिया था, तो मैंने पोजिशन क्लोज कर लिया। और इसी के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था थर्सडे के दिन, और इसमें भी देखिए हम लोगों ने यहाँ कहीं ट्रेड लिए थे, ठीक है, मॉर्निंग में नीचे आया मार्केट और लास्ट 30 मिनट में ना इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट आया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो मुझे लगा कि मॉर्निंग में हमें एक चांस फिर मिल जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर हमें कल मिल जाता है तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, हाई मार्केट बुलिश, इसलिए अभी तो शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है, तो थोड़ा नीचे आएगा। और देखिए अभी लगातार ऐसे ही हो रहा है, यहाँ भी गैप डाउन ओपन हुआ था ऊपर चला गया, ठीक है, खुल के कंटिन्यू में ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, पहले नीचे आ रहा है और नीचे से बाइंग हो रहा है। ओके, तो इस व्यू के साथ कि नीचे हमें फिर से चांस मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लिए हैं, और ये मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में भी और शॉर्ट वीडियो बना के भी आप लोगों को किया है। ओके, तो दोस्तों अब चलिए एक पॉइंट और आपको शेयर करना चाहूंगा कि देखिए वर्ल्ड मार्केट ने काफी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है लास्ट फ्राइडे के दिन, मे बी मार्केट गैप अप खुले, अगर गैप अप खुलेगा तो कोई ट्रेड करने का चांस मिलेगा नहीं, फिर इंतजार करेंगे नीचे आ जाए बाजार तो नीचे से हमें कोई रिकवरी का ट्रेड मिल सकता है, बट अभी शॉर्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, शॉर्ट के ट्रेड में आपको टारगेट कम मिलेगा और स्टॉप लॉस शायद ज्यादा लगे या फिर स्टॉप लॉस ही लगे, ठीक है, क्योंकि बुलिश ट्रेड में ना शॉर्ट का ट्रेड ठीक नहीं होता है। हाँ, स्केल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। चलिए, तो मैं थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का चार्ट शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये है डाउ और डाउ ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ पर ना 2 दिन बड़ा फास्ट नीचे आया था, ठीक है, मैं यहाँ पर टूर में था और मैं देख रहा था कि ये जो गिरावट अभी आ रहा है डाउ में, और ये गिरावट का चार्ट नहीं है, ठीक है, गिरावट का चार्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये ना पैटर्न गिरावट का ही नहीं है, ठीक है, ये नीचे आ रहा था, बाई हो रहा था, हालांकि 2 दिन यहाँ पर नीचे आया, इधर 200 EMA है, एक बड़ा मूवमेंट के बाद बाजार रुका यहाँ पर, ठीक है, हालांकि इसी वे में ऊपर जा सकता था बट रुका। ऐसी ही जगह पे ना लोग ट्रेप होते हैं, आप लोग याद होगा लास्ट वेस्डे के दिन हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया और ये रात को गया है ऊपर, 800 पॉइंट भगा था रात को, ठीक है, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप देखेंगे नैसडेक, तो नैसडेक भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपसाइड में दे रहा है, क्योंकि ये आईटी का ही वेटेज है इसमें, राइट, नैसडेक में, तो हमारे यहाँ भी आईटी में थोड़ा मूवमेंट अभी अपर साइड में आएगा, इसलिए मैंने फिनाइस माफ करिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फोसिस का ट्रेड दिया है बॉटम से, और अच्छा प्रॉफिट अभी आपको उसमें आ रहा होगा, तो आईटी के स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ देखें तो SGX निफ्टी भी बहुत अच्छा पैटर्न बना के अपर साइड जा रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर शॉर्ट तो है नहीं, हालांकि ये कंटिन्यू मूवमेंट दिया है तो नो डाउट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल जाए और आपको लोअर बॉटम से फिर से बाइंग अपर साइड में आते हुए नजर आएगा। तो कुल मिला के मार्केट में व्यू हमें बुलिश रखना चाहिए, बुलिश व्यू के साथ हमें बाजार में जाना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ओके, तो दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए
अभी हम लोग डेली चार्ट में समझ रहे हैं पॉइंट को, मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट आपको शेयर करता हूँ। देखिए, अगर वीकली चार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, तो अब आपको बिलीव जरूर हो रहा होगा, और इसके बारे में अक्सर बात करता हूँ कि जब भी इनसाइड पैटर्न बनता है ना, बिलीव रख करना चाहिए और उसमें ट्रेड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। और अगर आप यहाँ से एंट्री लिए होंगे, कितना अच्छा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई जाना है इसको, ऑल टाइम हाई से पहले मार्केट अब नहीं गिरेगा, ऑल टाइम हाई हम जल्दी ही लगाने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले मार्केट में फॉल नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यू है, ठीक है। क्योंकि बहुत करीब है हम लोग 1000 पॉइंट का, मैक्सिमम 1000 पॉइंट बाकी है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में। और मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा देर में ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से ना निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट कम आया है, अभी निफ्टी में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का बाकी है जगह, ठीक है, 600 पॉइंट का बाकी है जगह। तो निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट अभी आना चाहिए ऐसा लगता है। तो बैंकिंग और फिनेंस निफ्टी, ये आपको पहले ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आएंगे। तो वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग लग रहा है, 1 वीक रेड कैंडल के बाद तीनों ही इंडाइसेस में, 1 वीक रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना है, इस वीक में भी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग कर सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है इस वीक में फिनेंस निफ्टी 19,500 का टारगेट ही डन कर सकता है, ठीक है। तो हमें अगर ट्यूजडे के दिन मार्केट थोड़ा नीचे मिलता है फ्रेंड्स, तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हायर साइड के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं आप लोगों को जब एक कैंडल क्लोज किया था तभी मैं बताया था कि ये इस कैंडल के हाई के ऊपर जाते ही एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है बाजार। बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है अप्रैल मंथ में, अब मई मंथ की स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, तो मई मंथ में ऑल टाइम हाई ये टेस्ट कर लेगा। मुझे लगता है कि 15 तारीख के आसपास, 15 मई के आसपास ये ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद टॉप के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई के पास जाना पड़ेगा, ऐसा चार्ट पैटर्न में समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल कैसे मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मार्केट लास्ट डे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बना रहा है बॉटम की तरफ, ठीक है। लास्ट मिनट में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट आया है, इसीलिए मॉर्निंग में फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड छोड़ देंगे। गैप अप खुलेगा तो भी ट्रेड छोड़ देंगे। अगर ज्यादा गैप अप खुलता है 250-300 पॉइंट, तो जो भी आपके पास क्वांटिटी होगा उसे आप बुक करिएगा, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो नीचे से हमें फिर से चांस मिल जाएगा। गैप अप खुलेगा तो कंटिन्यू में ऊपर नहीं जाएगा, और आजकल का ट्रेंड ऐसा दिख भी नहीं रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नीचे की तरफ आने के लिए। और अगर मार्केट हमें इस भाव के आसपास मिलता है तब हम लोग ट्रेड लेंगे। ये भाव आप नोट करके रखिए, मतलब 43,100 के आसपास, 43,000 से लेके 43,100, ठीक है। इस भाव के आसपास अगर आपको ट्रेड मिलेगा ज़्यादा अच्छा चांस होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि ये हमारा बाई रेंज है और इसी भाव से मार्केट रिवर्स किया, ठीक है, फ्राइडे के दिन। तो इसी टाइप का सेटअप हमारा यहाँ भी बनना चाहिए, ठीक है। तो आप 43,000 और 43,100 का भाव याद रखिएगा। मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, हम लोग क्वांटिटी फिर से प्लस करेंगे और पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड बनाएंगे। बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर खुल के नीचे आता है जैसे यहाँ हुआ, ठीक है, खुल के नीचे आएगा तो पहले आने देंगे, वेट करेंगे अपने लेवल का, और यहाँ से बाई करेंगे, और हमारा टारगेट अगेन 44,000 की तरफ होना चाहिए। अगर हमें इस भाव के आसपास मिलता है तो 44,000 का ITM पुट शॉर्ट करेंगे, और ATM जिसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:4 बन जाए, 1:4, 1:5 बन जाए, तो ATM के आसपास का बाई कर लेंगे और ITM पुट शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ट्रेड आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा, विदाउट हेजिंग कोई ट्रेड करें ना, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में ना अगर हेजिंग नहीं रहेगा तो जैसे यहाँ पर था, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गैप डाउन खुला था और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दिया। ओके, तो अगर आप नेकेड पोजीशन बनाएंगे मुझे नहीं लगता है कि आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, इसलिए हेजिंग के साथ रहेगा, आपको पता रहेगा कितना मेरा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो उस लॉस के साथ आप खड़े रह सकते हैं, मार्केट आपको सरप्राइज करेगा इस रेंज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे लास्ट डे यहाँ पर बहुत फास्ट मूवमेंट दिया, मैंने एनालिसिस में एक पॉइंट बताया भी था कि अगर बड़ा मूवमेंट दे देगा तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि ट्रेड हम लोग एक दिन पहले बना रहे हैं, थर्सडे के दिन बनाए थे ट्रेड, और फ्राइडे के दिन ही अगर अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो मंडे भी छुट्टी है,
इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करके जाएंगे, क्योंकि मार्केट नीचे मिलेगा तो हमें फिर से एंट्री करने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर मैं ट्रेड बनाया था, मुझे याद है फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें देखिए यहाँ ट्रेड बनाए थे, ऊपर गया मार्केट, ठीक है, और फिर वापस आया इसी भाव के आसपास, अगेन एंट्री का चांस मिला। और यहाँ पर ना पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, मैं 4 लाख प्रॉफिट में था यहाँ पर। यहाँ पर आया था तो मैं 20-30 हज़ार रुपये माइनस में आ गया था, मतलब यहाँ से फिर से मुझे एंट्री मिल जाता, ठीक है। तो आपको बॉटम में एंट्री जरूर मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग बाई करेंगे 43,000 से लेके 43,100 के आसपास, आईटीएम का ट्रेड बनाएंगे। और जब ट्रेड मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन फिर एक बात बोलूंगा दोस्तों, कि अगर आप मेरे ट्रेड को फॉलो करते हैं, मेरे ट्रेड को ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब मेरे ट्रेड में ट्रेड करते हैं, तो आपको एक या दो ट्रेड नहीं लगातार फॉलो करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब निफ्टी में। फ्रेंड्स, निफ्टी का भी चार्ट सिंपल, कोई ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिए हैं। खुल के ऊपर चले जाएगा, वेरी एंड गुड, चले जाए, हमारे पास जो पोजीशन वही प्रॉफिट दे देगा। गैप अप खुलेगा, हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट गैप अप खुलता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम वेट करेंगे मार्केट नीचे आने का, अगर नीचे आएगा तो हमें ट्रेड मिलेगा। खुल के नीचे आ जाए, वेल एंड गुड, 18,000 के लेवल में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। 50 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, अगर 18,000 के लेवल में हमें मॉर्निंग में मिलता है मार्केट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वाई का ट्रेड बनाएंगे। और अगेन 18,000, क्योंकि इसका टारगेट ना 18,500 की तरफ बन रहा है अब निफ्टी का। हालांकि 250 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट, लेकिन हम ट्रेड डालेंगे 18,300 का। 18,300 का आईटीएम पुट शॉर्ट करेंगे, ये पुट सेल करेंगे, और एटीएम, ठीक है, एटीएम हम बाई करेंगे पुट, राइट। लेकिन ऐसा देखेंगे जिसमें रिस्क रिवार्ड 1:4 का बन जाए, कम से कम 1:4, 1:5 का रिस्क रिवार्ड बने, वो इस टाइप हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग में ट्रेड डालेंगे 18,000 के आसपास, 18,000 के नीचे अभी मार्केट जाने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग लोअर लेवल से भी एंट्री लेंगे, ओके, और हम अपने पोजिशन को एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिनेंस निफ्टी में। देखिए, फिनेंस निफ्टी का ट्रेड ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, लास्ट डे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। अच्छा, एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था 10 बजे, और 10 बजे ना बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा था, लेकिन ना एक गलती से मैं आपको शेयर नहीं कर पाया। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डब्ल्यू सेटअप बन रहा था, मैंने बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को ट्रेड दिया था, लेकिन पहला ट्रेड हमारा लॉस में चला गया था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर पुट शॉर्ट किए थे 43,500 का, और इसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। ये ट्रेड मैंने अपने मेंटरशिप ग्रुप में शेयर किया था, जो मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं। मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों को, शायद आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगे कि सर ट्रेड तो दिए नहीं और जबरदस्ती यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाया और जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक ट्रेड हमारा लॉस लग गया था, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था 10:53 में, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा लर्निंग भी ना आपका होना चाहिए, और ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क किया, मार्केट को यहां तक लेके चला गया, 43,300 तक लेके चला गया मार्केट। तो पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसे मैं आप लोगों को दे नहीं पाया, मिस हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सभी चैनल में दिया, मतलब मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने दिया, बट थोड़ा सा गलती से मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया। तो एक अच्छे सेटअप के साथ मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग जरूरी है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट होना जो बहुत जरूरी है, ओके। तो चलिए, कल हमें ट्रेड अच्छा मिलने वाला है, अगर ये 19,000 के आसपास हमें, माफ करिएगा, तो कल हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला दोस्तों, अगर ये 19,100 के आसपास मॉर्निंग में मिल जाता है तो देखिए, अगर 19,100 के आसपास मिलेगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, मतलब सपोर्ट बनेगा, और यहाँ पर हम लोग एक मॉर्निंग में स्टडल या फिर बटरफ्लाई जैसा ट्रेड बना सकते हैं, या आयरन कंडोर जैसा ट्रेड बना सकते हैं, मैं मॉर्निंग में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारा अच्छा हो सकता है, ओके, अगर ये 19,100 के आसपास मिलता है तो, ठीक है। अगर थोड़ा ही नीचे मिल जाए, अगर ये 19,050 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ पर स्टडल स्ट्रेंगल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग 19,200 का पुट शॉर्ट करेंगे, और इसमें मैक्सिमम 30 से 40 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चाहे तो इसे आप भी हेज कर सकते हैं, मतलब इसमें एटीएम का बाई करके पोजिशन हेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी है, इसलिए सेम डे में 30-40 पॉइंट का एसएल रखना कोई बड़ी बात नहीं है,
19,050 के आसपास अगर आपको मिलता है, 19,050 के आसपास अगर फिनाइस निफ्टी आपको मिलता है तो ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया होगा, फिर मार्केट अपर साइड चले जाएगा, फिर क्लोजिंग आप यहाँ देखिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिल जाता है तो सुबह सुबह एक प्लान जरूर करना चाहिए इसमें हायर साइड का ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट बुलिश सिनेरियो में है, ये थोड़ा भी नीचे आएगा तो बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा हमें एंट्री लेने के लिए, राइट। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ फिनाइस निफ्टी का लॉजिक। चलिए मैं कुछ स्टॉक का लेवल शेयर करता हूँ। इसमें से बजाज फिनेंस मेरे पहले प्रेफरेंस में रहेगा और बजाज फिनेंस इस सीरीज में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बजाज फिनेंस को ट्रेड लिया था बहुत बॉटम में, आप लोगों को याद होगा, ओके। फ्यूचर का पोजीशन मेरे पास अभी भी ओपन है, ओके। तो मैंने इसका 5960 के आसपास एंट्री लिया है, अभी पोजिशन ओपन है। मेरा टारगेट इसमें 6350 का है, लेकिन ये 6500 का भी भाव दिखा सकता है। तो एक्चुअली टारगेट देखिए, अगर आपके पास कैश का पोजीशन है ना तो यहाँ तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का पोजीशन है तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा जाएगा, एक रिट्रेसमेंट फिर लेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर आपके पास फ्यूचर का पोजीशन है तो 6350 के आसपास एक बार बुक करिएगा, फिर नीचे की तरफ हमें फिर से एंट्री मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। या एक पॉइंट आप और कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास फ्यूचर का पोजीशन है, आप लोगों ने मेरा टर्मिनल देखा होगा, ओके। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, 63 अगर 50 चले जाता है तो यहाँ पर हम लोग ना 63 या 64 का हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं, जिसका भाव 150 रुपया रहेगा, तो आप 150 रुपया नीचे तक सेफ हो जाएंगे, ऐसा भी आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लॉजिक लगाऊंगा कल, ओके। तो बजाज फिनेंस में हमें इंट्राडे में भी कल चांस मिल सकता है, लास्ट डे भी मैंने आपको इसी भाव से ट्रेड दिया था, बहुत अच्छा रिकवरी इसमें मिला आप लोगों को, ठीक है, ट्रेड लिए होंगे, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ओके। अगेन आपको इसी भाव के आसपास मिलने वाला है 6250, अगर 6250 के आसपास मिलता है एक बुलिश कैंडल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का लो कैसेल डालेंगे यहाँ पर और हायर साइड का ट्रेड डालेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए 6350 इंट्राडे के लिए, फ्लो में चले जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए और कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है आईसीआईसी बैंक। एक बैंक को ऊपर जाना पड़ेगा, एसबीआई ऑलरेडी चल रहा है और स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक साथ देने वाला बैंक ही वो है आईसीआईसी बैंक, मुझे लगता है कल आपको ट्रेड देने वाला है 920 के ऊपर, 920 के ऊपर निकलता है आप इसमें बाई कर सकते हैं, और 4-5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब 915 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट आपका 930 का इंट्राडे में होगा, और ये कंटिन्यू में ऊपर जाएगा। ये जब 875 था तभी मैं आप लोगों को इसमें बताया था बुलिश ट्रेड आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर किस तरीके से मूवमेंट दिया आप देख सकते हैं, तो एक मूवमेंट और आने वाला है, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, इसके बाद इधर 960 की तरफ ही जाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ ये भी चला जाएगा जब तक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, देखिए इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला था, जैसे जोमेटो का वीडियो बनाया या फिर जैसे मैंने आप लोगों के लिए आईएक्स का वीडियो बनाया, ठीक है। फ्रेंड्स ये 78 में है इसकी आरएसआई, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सेलेक्ट नहीं किया, और 2 दिन के बाद इसका रिजल्ट है, 4 तारीख को इसका रिजल्ट है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले ये नीचे आ जाए इधर, मतलब मुझे अगर 185 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें कॉल बाई का ट्रेड आप लोगों को बताऊंगा, अगर ये 185 के आसपास मिलता है तो रिजल्ट में किसी कारण से, किसी नेगेटिव न्यूज के कारण अगर ये नीचे मिल जाता है तो हमें बॉटम से बाई करना चाहिए, क्योंकि यहां से एक बार फिर से हाई की तरफ जाएगा, 200 की तरफ जाएगा, आपको कॉल में मई सीरीज में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पहले नीचे आएगा, इसके बाद जब प्राइस अगेन हाई बनाएगा तब ये डाइवर्जन बन के नीचे आएगा, ये बढ़िया सेटअप के साथ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट देखेंगे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। आप मंथली चार्ट देखेंगे बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दे रहा है, और आने वाले दिनों में ना 220 की तरफ का टारगेट ये बनेगा, लेकिन डेली चार्ट में थोड़ा ज्यादा मोमेंट आ गया है, कंटिन्यू मोमेंट आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ, अगर थोड़ा ये नीचे मिल जाएगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे, पहले समझिए आप कल कैसे ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स दो जगह से ट्रेड है आपका, एक तो बताता हूँ आप कॉल बाई कर सकते हैं जब ये 193 के आसपास मिलता है, तब 193 के आसपास या 194 के आसपास मिलता है तो आप एक बार कॉल बाई कर सकते हैं 195 का, ठीक है। मैक्सिमम 1 रुपया का एसएल डालिएगा, मैक्सिमम 1 रुपया एसएल डालिएगा, क्योंकि मैं इस भाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस सपोर्ट मिलता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉल बाई कर सकते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट अपर साइड में 200 तक रहेगा, ठीक है, आप ये पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कॉल बाई नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कैश में ट्रेड लेना चाहिए। जब 196 के ऊपर निकलेगा तो कैश में बाई करिए, 196 के ऊपर टारगेट 200 का होना चाहिए और स्टॉप लॉस इस स्विंग का, मतलब 194 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, नजर रखिएगा कल मॉर्निंग, ठीक है।
तो दोस्तों ये हुए इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक के ऊपर लेवल और आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।